हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ, इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के दिन लेके आया हूं कल के लिए बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स, जो कि आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। जो भी ट्रेडर्स है, जिनको भी हमारे अगर प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होना है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एफ स्टॉक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, आइए। जो लास्ट मार्केट में मंडे का सेशन जो था, उसमें मार्केट का जो हाल रहा था आप देख सकते हो, मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा था। आज के दिन मार्केट क्लोज था, तो कल की डेट में काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो 20 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, और करीबन 30 स्टॉक ऐसे थे जो नेगेटिव थे, काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में मूवमेंट हुआ, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि जो मार्केट का जो रुख है, आप अगर अभी देखिए, अभी लॉकडाउन है, आप लोगों को ज़्यादा काम भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत ऑफिस का काम रहता है, वो आप घर पर बैठ के निपटा लेते होंगे। देन उसके बाद फ्री टाइम में अगर आप दोस्तों इस एक महीने के सेशन में अगर आप लोग रिसर्च करना भी सीख जाते हो, तो आप लोगों के लिए बेटर रह सकता है। ठीक है, सेकेंड बात यह है कि जो बजाज फाइनेंस है, उसको थोड़ा सा आप अभी लिस्ट में, आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जो पहला स्टॉक है उसके ऊपर लेके चलता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, जो आपको आपके लिए पहला स्टॉक है वो है रायमोंड का। रायमोंड लिमिटेड में कल की डेट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ था, सर्किट पे आ गया था स्टॉक। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इसका मूवमेंट देखिए लगभग 5% की तेज़ी, काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी। प्रीवियस क्लोज देखिए, गैप अप ओपनिंग भी शानदार लिया, और लो प्राइस में भी मार्केट के मूवमेंट में काफ़ी अच्छा इसने मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग साथ दिया दोस्तों। ठीक है, तो वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर की, तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, लगभग 13 लाख के ऊपर का ट्रेड वॉल्यूम है। इतना कोई, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा बी कैटेगरी में आ जाता है, तो इसके लिए ये स्टॉक में उतना कोई ट्रेडर्स ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा 52 बिक का हाई, देखिए इसका कहाँ पर है, 800 रुपये की पोजीशन पे। लेकिन ये जो ट्रेड बन रहा है इंट्राडे में, इसमें काफ़ी अच्छा बन रहा है और काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ बन रहा है। क्योंकि जो वॉल्यूम आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों को अभी तक का सबसे हाई वॉल्यूम दिख रहा है। यहीं पर अगर आप देखते हो दोस्तों, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पोजीशन दिख रही है, इसमें डिलीवरी 4,85,000 की, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी देखने को मिल रही है, और वो अभी के टाइम की ही है। ठीक है, तो अब इसका टारगेट स्टॉप क्लोज सजेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों को प्रॉपर चार्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, जो अगर आप लोगों को दिख रहा है चार्ट पे देखिए, दो मोमेंटम सबसे बड़े। ठीक है, मोमेंटम देखिए, एक ये मतलब यहाँ से ओपन हुआ डायरेक्टली, सडनली प्रॉफिट बुकिंग, नई बाइंग, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली, एक वन साइडेड मोमेंट किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग एंड सर्किट। मतलब ये स्टॉक ने, अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों पोजिशन पे सेम मार्केट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम क्रिएट किया, और मार्केट में स्टॉक ने वन साइडेड मूवमेंट किया। अगर जिसने भी मान लो 55 रुपये या उसके बीच में भी जो बाय करा होगा, उसने एग्जिट करा होगा, तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकला होगा दोस्तों। वहीं पर अगर 5 दिन की आपको अगर बात करूँ, तो 5 दिन से इसमें लगभग आप लोगों को 20% से ज़्यादा का ट्रेड दिखेगा। ठीक है, वहीं पर सर्किट अगर मैं बात करूं, तो हर ट्रेडिंग सेशन में इसमें सर्किट देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आप लोगों के लिए मिल सकता है। ठीक है, देखिए कल की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें अच्छा गैप अप ओपनिंग होता है। ठीक है, तो मार्केट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, आप लोगों को ये 270 पे मिलता है, ईजिली छोटा स्टॉक है, आप ईजिली इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, 270 पे। वहीं पर अगर टारगेट की मैं बात करता हूँ, तो आप अप्रॉक्सीमेट 10 रुपये का टारगेट लेके चलिए, आराम से आप लोगों को 2 से 2.5% का टारगेट मिल जाएगा। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ, तो आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हो। ठीक है, स्टॉक में प्रॉपर तरीके से टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च हुआ है। जो भी ट्रेडर्स है, ये वीडियो देख के अगर आप पोजीशन बनाते हो दोस्तों, ठीक है, तो आप थोड़ा सा खुद से भी पहले मार्केट के अकॉर्डिंग उसमें रिसर्च कर ले, या आप लोगों के जो भी फाइनेंशियल ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उनसे कंसल्ट करने के बाद ही इसमें पोजीशन बनाए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड स्टॉक है दोस्तों, सन फार्मा इंडस्ट्री लिमिटेड।
मैंने जो इससे पहले ऑप्शन मार्केट के लिए दोस्तों वीडियो बनाया था, ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को ऑप्शन के लिए ये स्टॉक सजेस्ट किया था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग उसमें 4 से 5 रुपये का देखने को मिला था, जो टारगेट और स्टॉप क्लोज दिया था। अब आप इसमें देख सकते हो जो इसका प्राइस चला करेंट मार्केट, ठीक है, वहीं पर अगर आप लोगों को मैं बात करता हूँ पोजिशन की, ठीक है, तो प्रीवियस क्लोज देखिए, गैप अप ओपनिंग, हाई पोजिशन और लो पोजिशन चेक कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर में, यहाँ पर 3 करोड़ से ऊपर का है। ट्रेड करम नंबर ऑफ लेग में आप देख सकते हो 1 करोड़ 41 लाख का है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल रहा है डिलीवरी पैटर्न में भी, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कोरोना वायरस के इम्पेक्ट में मेडिसिन का कितना अभी सिलसिला चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी मेडिसिन जो फार्मा सेक्टर है वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 41 लाख से ज़्यादा की इसमें डिलीवरी पैटर्न दिख रहा है। अब इसके चार्ट पे थोड़ा सा समझते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जैसे ही ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई स्टॉक सडनली नीचे आया, क्योंकि आप लोगों को पता है काफ़ी गैप ऑफ ओपनिंग दिया था। हाई लगाने के बाद स्टॉक कभी भी उसके दूसरी पोजीशन पे नहीं गया, तो जिसके कारण मार्केट में काफ़ी मोमेंटम के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिक्स रहा था जो मोमेंट था। आप लोगों को जो चार्ट दिख रहा है, चार्ट पे अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक ये पोजीशन पे और एक ये पोजीशन पे काफ़ी हाई वॉल्यूम था, ठीक है, और स्टॉक को ऊपर ले जाने में ये दोनों पोजीशन पे ही ज़्यादा मोमेंटम रहा। उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग ही ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंट आया। 5 दिन का अगर आप लोगों को चार्ट बताता हूँ, 5 दिन में देखिए दोस्तों कितना शानदार मोमेंट, लगभग 32% का, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू में आप देख सकते हो 113 पॉइंट का, ठीक है। अब आप लोगों को टारगेट और स्टॉप क्लोज सजेस्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, जो भी अगर आप लोगों को देखिए ऑप्शन मार्केट के भी लेवल प्रोवाइड करने के लिए हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, तो आप लोगों की अगर राय हो, अगर आप कमेंट में यस लिखते हो दोस्तों, तो आप लोगों के लिए हम वो सीरीज़ भी चालू कर देंगे, जिसमें आप लोगों के लिए ऑप्शन का एक स्टॉक डेली बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ जाऊँगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को अभी कमेंट में आपकी राय बताना है जो भी है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं इसमें टारगेट स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूँ, प्री मार्केट के अकॉर्डिंग ही अपन लेके चलेंगे लगभग 465 पे, ठीक है। अगर आपको इसमें स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करता हूँ, तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग टारगेट देखिए लगभग 480 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो आप, लगभग इसमें 460 का, 5 रुपये का, ठीक है। दोनों स्टॉक में आप लोगों को पता है प्रॉपर टेक्निकल फंडामेंटल रिसर्च हुआ है, ठीक है, और आपके अकॉर्डिंग आप ट्रेड जो भी है वो ले सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना। मैं डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ।